तो दोस्तों सबसे पहले तुम मेरे यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर देख लो, मेरे पास में इस एप्लीकेशन से यहाँ पर जो यहाँ पर लिमिट मिली हुई है वो भी दोस्तों यहाँ पर 70,787 रुपए की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मिली हुई है। यहाँ पर दोस्तों इस लिमिट को आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में कैसे यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप मेरे तरीके से बताए हुए आप दोस्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हो तो भाई दोस्तों आपकी जो यहाँ पर लिमिट है आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। जैसा कि मेरे पास में ऊपर की साइड में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरे पास में जो यहाँ पर लिमिट मिली हुई है मेरे को 70,787 रुपए की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मिली हुई है। मैंने दोस्तों इस एप्लीकेशन के द्वारा काफी ऑर्डर यहाँ पर कंफर्म कर रखे हैं, काफी ऑर्डर दोस्तों मैंने यहाँ पर बाय कर रखे हैं, यानी कि मैंने अपने यहाँ पर घर पर मंगा रखे हैं, और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बार इस एप्लीकेशन से यहाँ पर दोस्तों पर्सनल लोन भी ले रखा है। यहाँ पर दोस्तों जो मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मिली हुई है अभी के टाइम में वो भी दोस्तों यहाँ पर पूरे दोस्तों यहाँ पर 70,787 रुपए की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मिली हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों इस लिमिट को आपको यहाँ पर आज की वीडियो में आपको यहाँ पर ट्रांसफर करके बताने वाला हूँ कैसे आपको यहाँ पर अपनी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्या क्या इसका यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है, कैसे कैसे करके दोस्तों आप यहाँ पर इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो, आप दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई उसके उससे पहले दोस्तों आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट होने के लिए दोस्तों आपके पास में एक बहुत ही अच्छी खासी आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लेके आ चुका हूँ, जो कि दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम होने वाला है मोतीलाल ओसवाल, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों आप यहां पर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन यहां पर बहुत ही शानदार होने वाली है, 50 लाख से प्लस दोस्तों इसके यहां पर डाउनलोड हो चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल दोस्तों यहां पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि दोस्तों आपको यहां पर डीमैट अकाउंट आपको यहां पर फ्री में ओपन करके आपको यहां पर दे देता है। आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर डीमैट अकाउंट आपका फ्री में ओपन हो जाता है। इस एक ही एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर काफी सारी सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि आपको इन्वेस्ट में आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर यूएस स्टॉक में या फिर स्मॉल कैप या फिर आईपीओ या फिर दोस्तों आपको यहाँ पर बॉन्ड एफडी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो भी सारी सर्विस आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, और दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर फ्री में एक्सपर्ट की आपको रिसर्च मिल जाती है। एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर सभी के सभी आपको यहाँ पर डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और भी एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर सिंगल क्लिप में आप यहाँ पर बाय एंड सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका जो यहाँ पर जो चार्ट रहता है वो भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार रहने वाला है, वही ये एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बेस्ट होने वाली है अगर दोस्तों आप यहाँ पर बिगनर हो। तो भाई इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर इन्वेस्ट टॉप ट्रेंडिंग आईपीओ में आप दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर एक ही एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर सारी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर 50 लाख से प्लस इसके यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं, और भी एप्लीकेशन यहाँ पर 4.4 की इसकी यहाँ पर रेटिंग रहने वाली है। एप्लीकेशन यहाँ पर बहुत ही शानदार होने वाली है। एप्लीकेशन का जो दोस्तों यहाँ पर नाम होने वाला है मोतीलाल ओसवाल शेयर मार्केट एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाके दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में आप अपने यहाँ पर डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो और भाई अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। टॉपिक पर वापिस आते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि भाई यहाँ पर ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहता है। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं हम स्नैपमीट एप्लीकेशन के बारे में, जैसा कि आप सभी यहां पर देख भी पा रहे होंगे। अगर दोस्तों आप यहां पर स्नैपमीट के एप्लीकेशन आप यहां पर यूज करते हो, आपने दोस्तों यहां पर कोई भी प्रोडक्ट आपने ईएमआई पर परचेज कर रखा है, तो भाई दोस्तों आपको यहाँ पर कोई ना कोई लिमिट आपको 100% आपको वहां पर मिल चुकी होगी, और भाई दोस्तों आपको लिमिट इतनी मिलती है कि भी आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो विदाउट क्रेडिट कार्ड के। मेरे केस में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास में यहाँ पर 70,787 रुपए की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मिली हुई है। आपके पास में दोस्तों यहाँ पर ऐसी लिमिट आपके पास में यहाँ पर शो हो जाती है, पर भाई काफी सारे बंदों के साथ में क्या होता है कि भाई उनको कोई इमरजेंसी आ जाती है, उनको किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन वगैरह नहीं मिल पाता है, पर भाई वो सोचते हैं कि भाई हमारे पास में ये लिमिट मिली हुई है, अगर इस लिमिट को मैं यहाँ पर यूज कर लूँ तो भाई मेरा यहाँ पर काम चल जाएगा, यानी कि उसको इमरजेंसी में अगर भी पैसे की रिक्वायरमेंट है और भाई ये लिमिट उसको यहाँ पर काम आ जाती है, तो भाई दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे बात होने वाली है। इसके लिए सिर्फ दोस्तों यहाँ पर ये क्या करती है, ये लिमिट आपको यहाँ पर प्रोवाइड तो करवा दी है, पर भाई आपको यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है,
यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्रेडिट लाइन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इस लिमिट को दोस्तों आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस लिमिट को सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट बाय करने में यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशन है इसके ही अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी लिमिट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। पर भाई आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप ये लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे की साइड में दोस्तों आप यहां पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो भाई यहां पर दोस्तों आपके पास में कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर आ जाएगा। मेरे पास में जैसे कि यहां पर आ चुका है, यहां पर दोस्तों आपके पास में एक Amazon का ऑप्शन आपके पास में यहां पर शो हो जाएगा। इस पर दोस्तों आपको क्या कहना है वो दोस्तों मैं अभी आपको यहां पर पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको यहां पर बताने वाला हूं। आपको दोस्तों यहां पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपको Amazon पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर वेट करना है, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की साइड में दोस्तों आप यहाँ पर आओगे, आपको जितने रुपए की भी आपको यहाँ पर लिमिट निकालनी है वो दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जितने भी रुपए की आपको यहाँ पर लिमिट निकालनी है वो। मेरे कैसे में जैसे कि मैं यहाँ पर ये बैटर दिख रहा है ऊपर की साइड में, आप यहाँ पर लुमिनस का बैटर देख पा रहे होंगे, इन्वर्टर का बैटर है जो यहाँ पर दोस्तों ये आपको यहाँ पर बाय कर लेना है। आप अपने हिसाब से जितने भी लिमिट आप निकालना चाहते हो उसी हिसाब से कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। और भाई उस प्रोडक्ट को दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट करना है। नीचे की साइड में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बाई सेम प्रोडक्ट ऑन स्नैपमीट, यानी कि आप स्नैपमीट से खरीदना चाहते हो या फिर दोस्तों आप यहाँ पर Amazon से खरीदना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान से क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है बाई Amazon प्रोडक्ट, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बाय कर लेना है। बाय करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट एक काम करना है, दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेना है। बाय करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या होता है, स्नैपमीट क्या करती है कि भाई वहां पर दोस्तों Amazon को क्या करती है, Amazon की जो वाउचर होते हैं गिफ्ट वाउचर होते हैं वो अमाउंट दोस्तों आपके यहाँ पर वॉलेट में ऐड कर देती है, यानी कि स्नैपमीट डायरेक्टली आपके यहाँ पर Amazon के जो वॉलेट होता है उसमें पैसा ट्रांसफर कर देती है। उस पैसे को दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो आप प्रोडक्ट मंगवा भी सकते हो, दोस्तों आप यहाँ पर प्रोडक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको बाय करने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बाय कर लेना है, आपकी जो लिमिट होगी दोस्तों स्नैपमीट से कट जाएगी, कटने के बाद में दोस्तों आपकी यहाँ पर जो लिमिट है आपकी यहाँ पर Amazon के पास चली जाएगी। उसके बाद हम दोस्तों आपको क्या करना है, एक घंटे के अंदर अंदर आपको दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद हम दोस्तों आपके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर रिफंड होता है वो भी आपके यहाँ पर Amazon के जो वॉलेट होता है वो भी आपका यहाँ पर रिफंड आपके वहां पर पहुंच जाएगा। उस रिफंड को दोस्तों आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो जो भी आपके यहाँ पर लिमिट होगी जो उसमें रिफंड आएगा, जो भी उसमें यहाँ पर Amazon के वॉलेट में जो रिफंड आएगा उस रिफंड को दोस्तों आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। Amazon का जो यहाँ पर बैलेंस होता है उसको दोस्तों यहाँ पर कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कैसे दोस्तों यहाँ पर अपना यहाँ पर जो Amazon का बैलेंस होता है उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों मैंने सिर्फ आपको यही बताया कि भाई आप इस स्नैपमीट की एप्लीकेशन से जो लिमिट होती है इसको आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आप दोस्तों इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो, फर्स्ट टाइम में दोस्तों आपके यहाँ पर ये काम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, Amazon में जो पेड बैलेंस होता है उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो वो दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से करके दोस्तों आप यहाँ पर स्नैपमीट की एप्लीकेशन से जो लिमिट होती है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर यही तरीका बचा पड़ा है, इसके अलावा दोस्तों आप इसकी लिमिट को आप यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा दोस्तों आप इसकी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। 100% दोस्तों यहाँ पर सेफ प्रोसेस रहने वाला है और भाई दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छी खासी आपकी यहाँ पर लिमिट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सेफ प्रोसेस है, एक बार दोस्तों आप यहाँ पर ट्राई करके जरूर देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों स्नैपमीट के एप्लीकेशन के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो भाई दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हो, उसका डाउट दोस्तों आपके पास में 100% उसका सॉल्यूशन आपके पास में पहुंच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है। आई होप ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए।